नमस्कार, खबरों का दंगल में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के घर सीबीआई ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी हुई है। सीबीआई की टीम ने तड़के बेंगलुरु के सदाशिव नगर में मौजूद डीके शिवकुमार के घर रेड की, साथ ही उनके भाई और सांसद डीके सुरेश सहित कई अन्य लोगों के घर पर भी छापेमारी की गई। वहीं सीबीआई की इस कार्रवाई पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भारतीय जनता पार्टी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी हमेशा बदले की राजनीति और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती रही है। डीके शिवकुमार के घर पर सीबीआई की छापेमारी हमारे उपचुनाव की तैयारी में भंग डालने के लिए की जा रही है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के घर पर सीबीआई ने यह छापेमारी की है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह छापेमारी की गई। तो इस पूरी छापेमारी पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान आया है। उनका कहना है कि उपचुनाव की तैयारी जिस प्रकार की तरफ से पार्टी की तरफ से की जा रही है, उसमें भंग डालने के लिए बीजेपी अब ये बदले की राजनीति कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी, न्यूज इंडिया में आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी। आरबी उपाध्याय जी, जिस प्रकार से कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के घर पर सीबीआई की छापेमारी की गई है, तो दूसरी तरफ अब इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि जिस प्रकार के अब उपचुनाव आगे आने वाले समय में होने वाले हैं, उसकी तैयारियों में भंग डालने के लिए बीजेपी की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, सीबीआई का या जितनी भी एजेंसी हैं, इसका दुरुपयोग का मामला या कोई कहला नहीं है। जो भी सत्ताधारी दल होता है, आप देखेंगे वो इनका प्रयोग करता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को इसी मजबूरी में कहना पड़ा था कि भी सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोता है, तोता को जैसे मिट्टू मिट्टू पढ़ाया जाता है वैसे बोलने लगता है। अभी तक सीबीआई या दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जी। आपने देखा होगा कि भी केंद्र उनका दुरुपयोग करता रहा है या अपने फेवर में प्रयोग करता रहा है। तो देखिए, बिल्कुल कहना कि भी अभी उपचुनाव है, इसमें कोई दोराय नहीं है। जब भी विरोधी दल है, उसका कोई मजबूत नेता है, तो वहाँ इस तरह से सीबीआई या दूसरी एजेंसी की कार्रवाई करके जिस तरह से मनोबल को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है, और जिस तरीके से आपने देखा होगा, ये कुछ से छुपा नहीं है कि भी इलेक्शन के अंदर बहुत सारा काला धन एक्चुअल में भी खपाया जाता है। तो इस समय एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत ये बनाया जाता है कि जो भी काला धन है उसको एक्चुअल में जब्त कर लिया जाए, और इलेक्शन में जिस तरीके से इनके कार्यकर्ता हैं उनको एक्चुअल में डिमोरलाइज किया जाए, जिससे कि वो इलेक्शन जो एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए वो ना हो पाए, और एक प्रेशर बना रहे तो ना कार्यकर्ता काम करे ना उनका पैसा कहीं एक्चुअल में दिखे जी। तो ये कोई नई बात कर्नाटक ही नहीं है, लेकिन आरबी उपाध्याय जी, हमेशा अगर हम चुनाव की या फिर बात करें या फिर तमाम और चीजों की अगर हम बात करें, अगर सीबीआई या इस प्रकार की एजेंसियां कोई कार्य करती है, कोई कार्रवाई करती है, चाहे राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें या फिर कर्नाटक की बात करें, तो हमेशा कार्रवाई पर क्यों सवाल उठाए जाते हैं? अगर वो कार्रवाई निष्पक्ष रूप से की जा रही है, तो हमेशा जो कार्रवाई करने वाली एजेंसी है उन्हें कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है? देखिए, निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए कोई मनाही नहीं है। देखिए, संविधान के तहत सारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सबको एक्चुअल में अभी अलग अलग ड्यूटीज और अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क जब लगता है कि जब आप देखेंगे कि कोई विशेष ओकेजन है और उस ओकेजन के ठीक पहले या उसके रिलेटेड एक्चुअल में मान लीजिए कोई भी उत्सव आप मना रहे हैं, चाहे वो अब उपचुनाव है, चाहे वो दूसरा कोई इस तरह का भी क्रियाकलाप हो, ठीक समय टाइमिंग से एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो जो छापेमारी है या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो जो कार्रवाई कर रही है उसकी टाइमिंग क्या है। जब टाइमिंग को आप ध्यान में रख के वो सारी चीजें फेयर कार्रवाई करेंगे, और अगर देखिए मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, आप ये कहते हैं कि भाई उपाध्याय जी कोई बोल रहे हैं, देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा। वो सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भी सीबीआई भी पिंजरे में बंद तोते की तरह से जो उसे पढ़ाया जाता है, जो उसे करवाया जाता है, वही चीजें होती हैं।
तो वो कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी तल्ख टिप्पणी और सीबीआई के ऊपर करनी पड़ी। तो सीबीआई का दुरुपयोग आज से नहीं है, जो भी सत्ताधारी दल केंद्र में होता है वो उसका अपनी तरह से दुरुपयोग करता है। इसलिए इस तरह की जिस प्रकार से कार्रवाई अब देखी गई है सीबीआई की, क्या कुछ लगता है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, उन्होंने भी अब एक सवाल यहां पर खड़ा कर दिया है कि जिस प्रकार से आने वाले समय में उपचुनाव अब होने हैं, उनमें भंग डालने के लिए कहीं ना कहीं पूरी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। क्या लगता है, क्या अब इस कार्रवाई से जो भी ये छापेमारी की जा रही है, क्या इससे असर पड़ सकता है उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव में क्या असर पड़ेगा, आप ये देखिए, जहां तक कर्नाटक की बात करते हैं, वहां पर खनन में भूमाफिया का एक कब्जा है और उस तरीके से वहां से बहुत सारा अवैध या कहते हैं भी काला धन वहां पर जनरेट होता है, और इसीलिए आप कर्नाटक की राजनीति में चाहे सिद्धरमैया हो, चाहे डीके शिवकुमार हो, चाहे दूसरे लोग हों, वो राजनीति में एक्चुअल बहुत मोटा पैसा इन लोगों ने खनन माफिया के तौर पर बनाया है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, फंड जो आपके पास काला धन है वो कहीं अगर मान लीजिए आपका जब्त हो जाता है तो आप उतनी मजबूती के साथ इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे जितना मजबूती के साथ भी इलेक्शन आप लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं डेंट जरूर लगता है। बाकी ठीक है, अगर मैं ईमानदार हूँ, मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो मुझे उससे विचलित नहीं होना चाहिए, मुझे उससे घबराना चाहिए। आखिर देखिए, कोर्ट कचहरी इसके ऊपर भी है ना। अगर मान लीजिए मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो माननीय न्यायालय, भाई उच्चतम न्यायालय, वो किस लिए है? वो सब इसीलिए है कि किसी साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय मिल सके। और उसी कड़ी में मैं उन सब चीजों को देखता हूँ, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे दूसरे स्टेट हो, तो वो सिर्फ घबराहट एक ही होती है। बीच कहते ना एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो कहीं ना कहीं आपके भी उसमें कुछ है जिससे कि आप एक्चुअल घबरा रहे हैं। जी, लेकिन आरबी उपाध्याय जी, अगर डीके शिवकुमार की अगर हम बात करें तो 2 साल पहले भी इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद सीबीआई को फिर ये केस सौंपा गया है, तो काफी लंबे समय से जो ये केस है चलता आ रहा है, क्या ये सही कहना, इस वक्त ये सही कहना होगा कि उपचुनाव से पहले इस कार्रवाई को सरकार की तरफ से जानबूझकर अंजाम दिया गया है? देखिए, विपक्ष है, विपक्ष अपनी बात कहेगा, सत्ता पक्ष अपनी बात कहेगा। अब ये जनता है, जनता सब समझती है कि भी क्या सत्ता पक्ष का और क्या विपक्ष एक्चुअल में कर रहा है, वो किसी की आंखों से छुपा नहीं है। देखिए, जनता की अदालत एक सर्वोच्च अदालत है और वो अपना फैसला समय आने पर सुनाती भी है, तो इस बात से बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टिंग एजेंसी अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रही है तो उसे इन सब चीजों से घबराना नहीं चाहिए और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, आप देखें कर्नाटक में खनन में भूमाफिया जिस तरीके से लोग एक छोटे से समय में और बहुत सारा धन कमाया है, वो शॉर्टकट से ही कमाया जा सकता है, कोई भी आदमी मेहनत से उतना पैसा एक्चुअल में नहीं कमा सकता, तो वहां पर काले धन का बोलबाला है और वो किसी से छुपा नहीं है और उसी का डर सबको होता है, वही चीजें कहीं ना कहीं एक आदमी को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। जी, चलिए, फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ और इस पूरी कार्रवाई में आगे खुलकर सामने आता है, क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आरबी उपाध्याय जी, तमाम बातचीत न्यूज इंडिया के साथ करने के लिए और तमाम जानकारी फिलहाल दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।